हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले बुलाई है। पहले ये बैठक सत्र के पहले ही दिन हुआ करती थी, लेकिन उस दिन सभी नेताओं और पार्टियों का व्यस्त कार्यक्रम रहता है, इसलिए हम इस बार सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर को ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि विस्तार के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार सत्र में किस तरह की तैयारी रहेगी और अभी तक कितने विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से क्या क्या बिजनेस विधानसभा को मिला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। स्पीकर साहब, अभी जो 17 तारीख से सेशन शुरू होना है, कितना बिजनेस मिला है अभी तक? देखिए पवन जी, ये 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 17 तारीख को सत्र शुरू होगा, 18-19 की छुट्टी है और 20 और 21 ये 3 दिन के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित है, लेकिन फाइनल डिसीजन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किया जाएगा। और उस दिन अगर हमें लगेगा कि बिजनेस ज़्यादा है तो इस सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर बिजनेस नहीं होगा तो इसको 3 दिन के अंदर हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फाइनल डिसीजन बीएसी की मीटिंग में होगा। अब की बार हमने बीएसी की मीटिंग भी एक दिन पहले 16 तारीख को बुलाई है, ताकि हम विस्तृत रूप से सेशन के अंदर किए जाने वाले कार्यों को डिस्कस कर सकें और जो हमारे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनको भी पर्याप्त समय जो बीएसी की डिसीजंस हैं उनको राइट डाउन करने के लिए, उनकी टाइपिंग वगैरह के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और दूसरा ये भी है कि अगर हमारे पास बिजनेस ज़्यादा है, उसके अंदर आपसी समझ से हम विधानसभा का जो सत्र जो है उसका समय नष्ट किए बिना मुद्दों के ऊपर चर्चा, अगर हम सहमति बनती है तो मुद्दों के ऊपर चर्चा करें और हम समय भी तय कर सकते हैं कि एक मुद्दे के ऊपर कितना समय चर्चा आवश्यक है, ताकि फिर बाद में ये गिला शिकवा ना रहे। अक्सर क्या होता है कि विधानसभा के पास बिजनेस होता नहीं है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सेशन छोटा करते हैं, सत्र छोटा करते हैं। देखिए, हमारी मंशा कभी नहीं है, सत्र के अंदर जितना समय अच्छे से डिस्कशन विषयों के ऊपर हो सकती है वो हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला करने के लिए, हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए, हाउस की कार्रवाई रोकने के लिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष को ऐसी चीज़ों से बच करके सार्थक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सर, ये एक नई परंपरा कह सकते हैं, आपने कई पहल की है विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, विधानसभा में कई तरह के जो नियमावली है उसमें आपने बदलाव किए हैं, और ये कोई नई एक पहल कहे, इसे परंपरा कहे कि बीएसी की बैठक सत्र की अब जो शुरुआत है उससे पहले दिन हो, ताकि तमाम जो बिजनेस है उसके ऊपर गंभीरता से बातचीत हो उसके, और विधानसभा का सचिवालय वो भी अपना काम ठीक से कर सके। हाँ, मैंने कहा है कि क्योंकि अक्सर जिस दिन हमारी बीएसी की मीटिंग होती है लगभग 12-12:30 बजे, 12:30 या 1 बजे मीटिंग खत्म होती है, 2 बजे सत्र होता है, जो बीएसी के अंदर डिसीजंस होते हैं उनको पेन डाउन करने के लिए, उनको टाइप करने के लिए उनके लिए समय चाहिए। कई बार कुछ मुद्दे जो हैं, कोई गलत टाइप हो जाए या कोई गलत चीज़ चली जाए तो ठीक नहीं है, तो इसलिए एक तो जो विषयों के ऊपर कि उसके अंदर समय कितना कितना रहना चाहिए उसके ऊपर हम अगर अच्छे से ढंग से चर्चा करके हाउस चलाएंगे तो कहीं विपक्ष को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी और सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ उसके अंदर जवाब दे सकेगा। स्पीकर साहब, बिजनेस कितना आया या अभी तक सवाल जवाब कितने आए हैं, कोई अर्जेंट मोशन आया हो या ये प्रस्ताव कितने मिले हैं? सर देखिए, अभी तक जो कॉल अटेंशन मोशन है वो 8 कॉल अटेंशन मोशन अभी तक मेरे पास आए हैं, और जो प्रश्नों का सवाल है, प्रश्न लगभग 270 प्रश्न जो हैं वो स्टार्ट क्वेश्चन है और 165 के करीब जो है अनस्टार्ट क्वेश्चन है, और इनका भी हम ड्रा ऑफ लार्ज के माध्यम से 9 तारीख को हम ड्रॉ निकालेंगे और उसमें कौन कौन से प्रश्न जो लगेंगे इस सत्र के अंदर वो हम
प्राथमिकता के आधार पर जो आए हैं क्वेश्चन उनके अनुसार हम तय करेंगे ड्रॉप लॉट से। स्पीकर साहब, नया वेरिएंट भी चर्चा में है, कोविड प्रोटोकॉल आप पहले से सेशन जो रहे उनमें फॉलो करते रहे, इस बार के लिए क्या गाइडलाइन रहेंगी? आप विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, मीडिया कवरेज के लिए क्या गाइडलाइन होगी, क्या तैयारी की आपने? नहीं देखिए, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का जो इम्पैक्ट है कम जरूर हुआ है, लेकिन कुछ प्रदेशों में अभी भी जारी है, और उसके साथ साथ एक नया वेरिएंट आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को देखकर हमने ये तय किया है कि जो अब की बार भी सत्र जो कोविड के नॉर्म्स को अपनाते हुए, उसका पालन करते हुए, MHA की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है, या अब की बार हमने एक बात और कही है कि जिन भी कर्मचारियों अधिकारियों के पास या हमारे विधायकों ने अभी तक पहली डोज भी नहीं लगवाई है, कम से कम वो पहली डोज लगवा करके आए। और दूसरा ये कि जो RT-PCR जो टेस्ट होता है उसकी विदिन 72 आवर्स की रिपोर्ट जो है वो लेकर के आए, उसके पश्चात ही हम एंट्री जो है विधानसभा में अलाउ करेंगे। सर, मान लीजिए अगर किसी ने डबल डोज यानी दोनों डोज ले रखी है, लेकिन सेशन में आने के लिए उन्हें RT-PCR करवाना होगा इसके बावजूद भी, या जिन्होंने डोज नहीं लगवाई है उनको? जिन्होंने दो डोज ली हुई है या एक डोज भी जिन्होंने ली हुई है उनको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर किसी ने एक डोज भी नहीं लगाई तो उन ऐसे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी या जो विधायक हैं उनको हम रोकेंगे, और उनका जो RT-PCR जो टेस्ट है वो विदिन 72 आवर्स जो है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, वो रिपोर्ट के बाद ही हम उनको एंट्री देंगे। सर, इस हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, पिछले दो दिन पहले आप दिल्ली में लगातार थे और एक लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक जो वो PSC को लेकर एक जो वो बड़ी चर्चा और मंथन किया गया है, PSC की क्या भूमिका आप देखते हैं और उस दिल्ली में हुए मंथन में क्या निकल कर आया? सर देखिए, PSC विधानसभा की एक बहुत इम्पोर्टेंट, कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है। पहली जो